जय माँ भवानी जय राजपूताना। रिंकू सिंह क्रिकेटर जिसका नाम सुनते ही ना लोग बाग वाह वाह करने लगते हैं। अभी हाल ही के मैच में उन्होंने 5 छक्के मारे और टीम को जिताया। काफी चर्चा है देश में और सबसे बड़ी चर्चा ये है कि वो किस जाति के हैं, क्योंकि जातिवाद भारत में चरम पर है, सभी जानते हैं। यहाँ पर सब लोग ये नहीं देख रहे कि वो एक अच्छा क्रिकेटर है, अच्छा खिलाड़ी है, एक अच्छा भारतीय खिलाड़ी निकलेगा, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है वो किस जाति से बिलोंग करता है। सबका एक ही सवाल है, वो किस जाति का है। जब आप सोशल मीडिया को खोलेंगे तो आप देखेंगे जाट जाति के लोग उसे बधाई दे रहे हैं कि रिंकू सिंह ने, एक जाट ने बहुत अच्छा खेला। वहीं ठाकुर समाज के लोग कह रहे हैं कि एक रिंकू सिंह ठाकुर है, बहुत अच्छा खेला। सैनी समाज के लोग अलग, लोधी राजपूत अलग, ब्राह्मण अलग, गुज्जर अलग, सब लोग उसे अपने अपनी कास्ट का बता करके प्रमोट कर रहे हैं। तो आज आपको एक चीज बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि प्लीज कम से कम जो खिलाड़ी हैं उनको जातियों में ना बांटें, उन्हें भारतीय की नजर से देखें, ज्यादा अच्छा रहेगा। हम सबको गर्व करना चाहिए कि आने वाले समय में भारत टीम को एक अच्छा खिलाड़ी मिलने वाला है। हम सबको गर्व करना चाहिए कि एक हिंदू प्लेयर हमसे निकल के जा रहा है। लेकिन ये क्या, आप लोग हमेशा जातियों में ही देखेंगे। तो दोस्तों, इस अटकलों पर ब्राह्म लगा दीजिए कि वो अलीगढ़ के रहने वाले हैं, बुलंदशहर के रहने वाले हैं, वो जाट है, लोधी है, ठाकुर है, राजपूत है, सैन है, पता नहीं क्या क्या, सब लोग अपने अपनी कास्ट को प्रमोट करने में लगे पड़े हैं। आज जो रिक्वेस्ट है भूल जाइए, और एक भारतीय होने के नाते आप सब लोग उस पर गर्व कीजिए। उम्मीद करता हूं आप वीडियो को समझेंगे, शेयर करेंगे। जय माँ भवानी।